नमस्कार दोस्तों, मैं चंदू मिस्त्री, आप लोग यूट्यूब चैनल चंदू मिस्त्री में स्वागत है। तो दोस्तों मैं आया हूँ आनंदपुरा धाम केसरा कोजी महाराज के, तो आप देख सकते हो मेले में दर्शन करने के लिए। तो मेरी वीडियो में बनी रहिए आप, और दिखाता हूँ पूरा मेला। और पिछले साल की तरह इस साल ही आए हैं, लगभग आए हैं हम, तो आपको पूरा वीडियो ना कम्प्लीट मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। और अभी काफ़ी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं पूरी आपको ना दिखाता हूँ कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो अभी है ना, देखो पूल प्लेग्राउंड और पूल है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और ना देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, तो चलते हैं आगे की तरफ और आपको पूरा व्यू मैं यहाँ से दिखाता हूँ। आपको यहाँ तक अपनी मोटरसाइकिल जा सकते हैं, आगे मोटरसाइकिल नहीं जा सकते, आगे ना रास्ता बंद कर रखा है यहाँ। तो ये है मेन स्वागत गेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ से शुरुआत हो रही है ब्लॉग की। तो भाई पहुंचने वाले हैं मिंदर के आसपास, मिंदर के पास ही है, कुछ ही दूरी पर मिंदर आने वाला है। और चलते हैं आगे की तरफ और मैं आपको ना पूरा व्यू है ना यहाँ से दिखा देता हूँ कंप्लीट। देखो आप, और अभी है ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। जो आज ना सबसे बड़ा मेला है, जो 12 महीने में एक बार लगता है भादवा के आटा का, तो सबसे बड़ा मेला ही है। और इसकी तरफ से चलते हैं आगे की तरफ और मैं पूरा ना व्यू बताऊँगा आपको इसका कम्प्लीट। और चलते हैं इसी तरफ आगे की तरफ और मैं पूरा कंप्लीट है ना व्यू बता दूंगा आपको। तो चलते हैं और दिखाऊंगा, मिंदर के पास मैं आने वाला हूं और पूरा ना मिंदर का व्यू ना आपको उसी तरह से मैं दिखा दूंगा आपको। तो दोस्तों ये है प्रवेश द्वार, यहां से भी अपन जा सकते हैं और उधर से भी जा सकते हैं। तो मैं आपको पूरा व्यू है ना दिखा देता हूँ यहाँ से। तो अपन इधर से भी जा सकते हैं, चलते हैं और मैं आपको पूरा ना व्यू दिखा। मैं पहुंच गया हूँ मिंदर के पास। तो मिंदर का मेन गेट है ना वो ये है, देखो आप देख सकते हैं मिंदर का मेन गेट है। मैं आपको दिखाता हूँ, मिंदर से चलते हैं आप और आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं नालेर और अगरबत्ती। तो मैं नाले से अगरबत्ती ले लेता हूँ यहाँ से और देखते हैं कहाँ पर मिलती है, बहुत उधर चलते हैं। तो उसके पास में है नालेर और अगरबत्ती, तो नालेर और अगरबत्ती मैं लेता हूँ और फिर बताता हूँ। भाई कितने का है नालेर और अगरबत्ती सर? कितने का अगरबत्ती और नाले? तो भाई 30 रुपये मांग रहे हैं नाले और अगरबत्ती के, जो भी है ले लेते हैं और इसको बंदे को पैसे दे देते हैं। तो भाई मैंने है ना नाले और अगरबत्ती है ना ले लिए और चलते हैं और है ना, तो अंदर चलता हूँ और मैं आपको बताऊँगा पूरा। तो यहाँ से अपन एंट्री ले सकते हैं, देखो यहाँ से इधर से है ना एंट्री ले सकते हैं। और दोस्तों जो मैंने नाले जो प्रसाद वगैरह होता है वो मैंने ले लिया है। और आज है ना बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है ना। तो चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है इस मेले में, देखते हैं और फिर आपको ना। मैंने ऐसे तो ड्रोन से तो पूरा सीन है ना कंप्लीट ले लिया यहाँ का, और आगे की तरफ चलता हूँ बताऊँगा आगे बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले ना चप्पल वगैरह ना यहाँ खोल देते हैं और फिर अंदर चलते हैं मेले की तरफ। तो अभी ये हम इसलिए ना मेरे पास ये सुनील है जो ड्रोन है, तो ड्रोन ले रखा है, और ये इमेश है, इनके पास प्रसाद है और चलते हैं मेले की तरफ। ₹1100 ना बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे आनंदपुरा की तरफ से सपरे अम्बेड मंदिर विकास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से भगवान जी लोरा ₹1100 से बहुत भीड़ है यहाँ पे। कार्यकर्ता ध्यान दे, डैम की जो लाइटें हैं उनको ऑन करनी है, ड्रोन की जो लाइटें हैं उनको ऑन करनी है, जहाँ पे गैस काउंटर लगा हुआ है वहाँ की लाइटें ऑन करनी है। नंदू जी ध्यान रखियो, सभी लाइटें ऑन करो।
ये भी है ना अंधपुरा धाम मेन धाम है, तो ये मेन है यहाँ की। मैंने रात को भी यहाँ बनाया था वीडियो और चलते सुनील और निया और इमेश को देखना है मेरे को, काफी तो उनको देखता हूँ पहले मैं। हमारा अंधपुर का राजा।
सभी बंदों का केसरिया कमेटी विकास समिति आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। जिस किसी भी सज्जन को दान से और रूप राशि भेंट करनी हो तो काउंटर से अपनी रसीद प्राप्त करें। अधिक से अधिक संख्या में सभी श्रद्धालु शामिल हो और